मेवाड़ एसिड एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने एसोसिएशन के संरक्षण राकेश पोरवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को एसिड रिफिलिंग और भंडार के लिए व्यापारियों को लाइसेंस देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इसमें एसिड व्यापार में व्यापारियों को बिना लाइसेंस के आ रही समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया। जिलाधीश ने जल्द ही समाधान करवाने का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पोरवाल, मंत्री नरेश कखरेजा, देवी प्रसाद शर्मा, विनोद वालेचा, अजीत जैन, लक्ष्मीलाल मेनारिया, मोहित सेवक सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। यह जानकारी एसोसिएशन के संजय बोड़ा ने दी। राकेश पोरवाल, संरक्षक मेवाड़ एसोसिएशन। आज हम सब यहाँ पर एसिड व्यापार से जुड़े हुए व्यापारियों के साथ जिलाधीश महोदय से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं। जो भी हमारे एसिड व्यापारी जो है, उनको आने वाली निरंतर समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि हम सब व्यापारियों को यहाँ पर लाइसेंस प्रदान करने का कष्ट करें। परंतु कहीं ना कहीं इसमें निश्चित रूप से अड़चन भी आ रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं होने से यहाँ पर कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि एसिड व्यापारियों को लाइसेंस अभी नहीं दिए जा रहे हैं। लाइसेंस मिलेगा तो विधिवत रूप से एसिड का व्यापार हमारे व्यापारी बंद कर पाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। इस भावना से हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है और एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया है। उन्होंने भी सहानुपूर्वक विचार करके इसमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया के लिए आगे हम आश्वासन दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं सुरेश चंद्र पोरवाल, अध्यक्ष मेवाड़ एसिड एसोसिएशन। हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास जितने भी हमारे व्यापारीगण हैं उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। लाइसेंस इशू किया जाए, इसके लिए इस कार्यालय में।